सब्सक्राइब कर दीजिए मोटर ऑक्टेन को और बेल आइकन जरूर दबाइए पाने के लिए लेटेस्ट ऑटोमोटिव न्यूज रिव्यूज सबसे पहले। हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है रचित हिरानी, अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपकमिंग कार्स के बारे में जो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में बैठेगी एंड दे विल बी लॉन्च्ड इन 2019। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। दोस्तों, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं अबाउट व्हीकल्स, कार्स, हैचबैक्स जो आने वाली हैं अगले साल। हमने ये भी वीडियो बनाया कि 5 SUVs आने वाली हैं अगले 2 से 3 साल में 5 लाख रुपए तक, विच इज़ अनदर इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियोस। तो वो वीडियोस देखने आपको तो आई बटन पे क्लिक कीजिए या नीछे मैं अपकमिंग प्लेलिस्ट छोड़ रहा हूँ, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो भी हमने अपकमिंग कार्स पे बनाए हैं अभी तक। अब जो आज का टॉपिक है कार्स बिटवीन 5 to 10 lakh रुपीस। तो पिछले साल का मार्केट अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी ठंडा था, देयर नॉट मेनी लॉन्चेस, और जो एक्सपेक्टेड था कि ऑटो एक्सपो के बाद सारी गाड़ी इमिजिएटली आ जाएंगी, तो ऑटो एक्सपो पे ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया था लास्ट ईयर। बट इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन हायर है क्योंकि बहुत सारे न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत सारा फेसलिफ्ट मॉडल्स आ रहे हैं इंडियन मार्केट में, जिसकी वजह से द मार्केट विल एक्साइट एंड जो इंक्रीज इन बाइंग है दैट शुड हैपन, क्योंकि जो प्राइजिंग है वो ज़्यादा कम्पिटेटिव हो जाएगी इन द कमिंग ईयर। तो ऑफकोर्स जैन से गाड़ियों के प्राइस बढ़ने वाले हैं ऑलमोस्ट एवरी वन, और एग्जैक्ट परसेंटेज पता नहीं क्योंकि सबका अपना अपना एक परसेंटेज है, और हर ब्रांड, लेट से अगर आप मारुति, टाटा या ह्यूंडई की बात करते हो, लोग बोलते हैं हमारा 2 से 3% का इंक्रीज इन प्राइस, तो हर प्रोडक्ट पर डिफरेंट प्राइजिंग इंक्रीज हो रहा है उनका। तो दिस इज वन एस्पेक्ट जो आपको देखना चाहिए, और अगर आप जैन फेब में नॉर्मली आप दिसंबर की गाड़ियां लेते हो, यू शुड गेट एन एक्सेलेंट डील ऑन इट। यानी कि अगर आप जैन में गाड़ी खरीद रहे हो या फेब में, जो पिछले साल का मैन्युफैक्चर है, यू कैन गेट द डीलर टू गिव यू अ ग्रेट डिस्काउंट। ये डीलरशिप की एक तरीका रहता है, जैन में प्राइस बढ़ रहा है तो दिसंबर में गाड़ी ले लो, फिर जैन में बोलेंगे पुराना स्टॉक बाकी है, क्लियर करना है, ये प्राइस पे ले लो। तो अगर आप जैन फेब में न्यू प्राइस पॉइंट पे कार ले रहे हैं, मेक श्योर, एनश्योर रादर हर बार कि जब भी आप कोई गाड़ी ले रहे हैं, नॉट एवरी डे यू बाय कार, पर अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट, आप हर बार उनको कहो कि मुझे 2019 मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी चाहिए। 2019 बिलिंग अलग रहता है, 2019 मैन्युफैक्चरिंग अलग रहता है। तो हमेशा अगर आप 2019 मैन्युफैक्चरिंग मांगेंगे डीलरशिप से, तब ही आप वो प्राइस को जस्टिफाई कर पाएंगे जो इंक्रीज हुआ है, वरना इट मेक्स नो सेंस टू बाय प्रीवियस ईयर कार एट द न्यू प्राइस। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स द मेन पॉइंट ऑफ द डे, क्या क्या गाड़ियां आने वाली है इंडिया इंडियन कार मार्केट जो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में आएगी। तो सबसे पहले जो आने वाली है वो रहेगी फ्रॉम महिंद्रा। महिंद्रा लाएगी अपनी XUV300 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग पैकेज लग रहा है। हमने एक वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बनाया था प्रीव्यू ऑफ द व्हीकल, और आप में से काफ़ी लोगों को गाड़ी पसंद आई है। तो दैट्स द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर, इको स्पोर्ट नेक्सॉन ब्रेजा से डायरेक्टली हेड ऑन कॉम्पिटिशन लगाएगी ये गाड़ी। प्राइसिंग रहेगी समवेयर बिटवीन 8 to 11 lakhs, 11 जो है वो टॉप मॉडल रहेगा, और 8 से गाड़ी की प्राइसिंग चालू होनी चाहिए, और ये केवल ऑन रोड प्राइसिंग है। इस गाड़ी में आपको भरपूर फीचर्स मिलेंगे, टच स्क्रीन सिस्टम, 7 एयरबैग, सनरूफ, 17-inch व्हील्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले एंड द गिमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, लेदर अपोल्स्ट्री भी आएगा इस गाड़ी में। तो दिस सीम्स टू बी एन इंटरेस्टिंग पैकेज। 1.5 liter पेट्रोल, 1.5 liter डीजल, दोनों 6-speed मैनुअल के साथ आएंगे, ऑटोमेटिक फिलहाल के लिए अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं रहेगा। अगली गाड़ी जो आने वाली है वुड बी अगेन फ्रॉम मारुति। अब मारुति जो है बलेनो को एक फेसलिफ्ट देने वाला है, एंड द बलेनो विल गेट सम एक्स्ट्रा फीचर्स फॉर श्योर। बलेनो एक्सपेक्टेड है टिल मार्च 2019, वेर एज जो XUV300 थी दैट वॉज एक्सपेक्टेड बाय फेब। अगर आप बलेनो में एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो मेरी विश लिस्ट जो है दैट्स मच लॉन्गर। मैं तो चाहूँगा उसमें 6 एयरबैग्स आए, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स है, पर हाउएवर दैट्स माई विश लिस्ट। इस गाड़ी में एक्स्ट्रा क्या आएगा विद बी क्रूज कंट्रोल,
इलेक्ट्रॉनिक डिमिंग मिरर लोअर वेरिएंट्स पे भी आ जाएगा, साथ में आपको कुछ और माइनर ट्विक्स मिलेंगे गाड़ी में, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आने वाला है इन दिस कार। आपको हाइब्रिड शायद आ जाए इन द बलेनो इन द 1.3 लीटर डीजल, पर पेट्रोल में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं। थर्ड मंथ ऑफ द ईयर ये गाड़ी आने वाली है, एक्सपेक्टेड है मार्च तक, और इसकी प्राइसिंग उतनी ही रहनी चाहिए, 6 से 9.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम ऑन रोड। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं एक्सपेक्टेड है, पर एक अपग्रेड मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रंट लुक, जिसकी वजह से ये सियाज और दूसरी जो न्यू जनरेशन मारुति कार्स है उनसे सिमिलर लगेगी इन द फ्रंट एंड। तीसरी गाड़ी जो इस साल आने वाली है, दैट इज़ नॉट एन ऑल न्यू कार, पर वो भी एक फेसलिफ्ट है, और वो है फोर्ड फीगो। फोर्ड फीगो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज रहा है हमेशा से, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स गाड़ी डिसेंट रही है, पर अब इसमें फाइनली एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाएंगे, पुश स्टार्ट स्टॉप, टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा, और साथ में इसमें न्यू 1.2 लीटर का ड्रैगन इंजन आएगा जो लगभग 93-94 BHP का पावर बनाएगा, और ये आएगा विद 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। अब पुरानी पेट्रोल से ये ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, और साथ में ये इंजन पे आपको और एक चीज़ मिलेगी, वो है CNG का ऑप्शन। तो फाइनली फोर्ड अपनी CNG इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहा है, एंड दैट विल स्टार्ट विद द फीगो। उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द एस्पायर में भी इंट्रोड्यूस कर दी जाए, इसको बोलेंगे फोर्ड फीगो ब्लू। और इसमें क्या क्या वेरियंट्स आने वाले हैं, देर इज़ नो क्लैरिटी ऑन दैट, पर आप फोर्ड फीगो 2019 को मैक्सिमम बाय मार्च अप्रैल एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में, और इस गाड़ी की प्राइस होनी चाहिए समवेयर बिटवीन 5.5 to 9.5 लाख रुपीस ऑन रोड। अब ये हो गए टोटल 3 मॉडल, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। एक और एक गाड़ी जो आने वाली है फ्रॉम टोयोटा, वो बेसिकली बलेनो ही है, बट उनका फ्रंट एंड चेंज होगा, रियर चेंज होगा, एंड इंटीरियर में भी माइनर ट्वीक्स रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि टोयोटा की क्वालिटी विल बी एक या दो स्टेप्स अहेड ऑफ द मारुति क्वालिटी, भले ही वो मारुति के प्लांट में बनाई जाएगी, पर टोयोटा अपनी क्वालिटी कंट्रोल करेगा ऑन इट, ताकि उसको ज़्यादा हायर क्वालिटी मिले, पर एट द सेम टाइम उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी ऑन द सेम प्रोडक्ट। फीचर्स सेम रहेंगे जो बलेनो में आते हैं, हावेवर क्योंकि आपको टोयोटा के थ्रू मिल रहा है, टोयोटा का नेटवर्क इज़ डिफरेंट, टोयोटा का सर्विस कॉस्ट इज़ डिफरेंट, तो थोड़ा वहाँ पे अंतर आएगा, लेकिन 50,000 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेट प्राइस डिफरेंस दोनों में एक्सपेक्टेड है। इसमें भी 1.2 लीटर पेट्रोल एंड 1.3 लीटर डीजल आएगा, उसमें कुछ अंतर नहीं आएगा, और ये गाड़ी एक्सपेक्टेड है बाय नवंबर 2019। अब कहते हैं ना कि अगर आप केक खाते हैं तो लास्ट की चेरी बचा के रखते हैं, तो मैंने वो चेरी बचा के रखी आपके लिए ऑलरेडी, दैट इज़ द टाटा 4.5X। तो टाटा 4.5X विल गेट इन प्रोडक्शन, जी हाँ, फाइनली वो गाड़ी आएगी प्रोडक्शन में। उसका नाम कुछ और रहेगा, बिकॉज 4.5X केवल एक कॉन्सेप्ट नाम है, और जब ये गाड़ी प्रोडक्शन में आएगी, वी कैन एक्सपेक्ट इट टू बी बाई दिवाली नेक्स्ट ईयर, और इस गाड़ी की प्राइस रहेगी समवेयर अबाउट 5.5 to 9.5 lakhs, अगेन सिमिलर बलेनो प्राइस पॉइंट। इसमें आपको ज़्यादा बेहतर इंजन्स मिलेंगे, 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल 100 BHP, और जो डीजल आएगा वो भी 1.5 लीटर आएगा प्रोड्यूसिंग 108 BHP, दोनों 6-speed मैनुअल के साथ आएंगे, एंड 6-speed AMT भी इसमें मोस्टली ऑफर कर दिया जाएगा। ये गाड़ी में आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिलेंगे, हार्मन का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, टच स्क्रीन ऑफकोर्स, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 7 inch का आएगा ये, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आएगा इसमें, इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड ऑन दिस कार, पर नॉट कम्प्लीटली अश्योर्ड राइट नाउ। इसमें रियर एसी वेंट्स भी आएंगे, और इस गाड़ी का रियर सीट स्पेस शुड बी गुड। अब ये गाड़ी जो है, जैसे मैंने कहा, दिवाली के आसपास आनी चाहिए, इसकी प्राइसिंग भी आपको बता दी है। मेरे हिसाब से AMTs विल नॉट कम आउट इमीडिएटली, AMTs या ऑटोमेटिक्स बाद में चल के आएंगे, पहले केवल मैनुअल ट्रांसमिशन ही ऑफर किया जाएगा इस गाड़ी में। सो ये थी 5 गाड़ियाँ जो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में आने वाली है इन द इंडियन कार मार्केट, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरे हिसाब से और बहुत गाड़ियाँ आने वाली है, पर मैंने केवल टॉप 5 ही बताई हैं आपको। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो तुरंत ही इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।